सुस्वागतम नमस्कार सत श्री अकाल वणक्कम सलाम प्रणाम मेरे प्यारे बहन भाइयों, आपकी सेवा में आपकी खिदमत में उपस्थित हो गया है सी नारायण लेकर आज के दिन विशेष जो है 24 अगस्त के जी हाँ बहन भाइयों, जिसमें ऐतिहासिक घटनाएं, जन्मदिन, स्मृति दिन, आज का विचार, आज का सवाल और आज का सवाल जिसका जवाब, जी हाँ बहन भाइयों, लेकिन जवाब होगा वीडियो के अंत में। तो चलिए बहन भाइयों शुरू करते हैं आज की वीडियो। ज्ञानवर्धक, मनोरंजक और रोचक जानकारी से भरा एक ही पैकेज है जिसका नाम है दिन विशेष विद एनजीसी यूट्यूब चैनल। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आज की वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा मेरे प्यारे बहनों और भाइयों। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो सुविचार के साथ। आज का सुविचार बहुत ही बढ़िया सुविचार यह है कि क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र हो जाती है, जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है, जब तर्क नष्ट हो जाता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। जी हाँ बहन भाइयों, फिर एक बार फटाफट एक बार देख लीजिए। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र हो जाती है, जब बुद्धि व्यग्र हो जाती है तब तर्क नष्ट हो जाता है, जब तर्क नष्ट हो जाता है तो व्यक्ति का पतन हो जाता है। यह है बहनों भाइयों आज का सुविचार। अब आज का सवाल आज का यह है कि विश्व में कौन से पक्षी का सबसे बड़ी मूर्ति है, कौन से पक्षी की सबसे बड़ी मूर्ति है और वो भी विश्व में। जी हाँ बहनों भाइयों, तो सोचिए ढूंढिए और पक्षी को आप जरूर पहचानते हैं। ये छोटा सा क्लू मेरी ओर से, तो ढूंढिए और अगर ना मिले तो वीडियो के अंत तक इसको देखिए, वीडियो के अंत में इसका जवाब मैं दे दूंगा। तो चलिए बहन भाइयों शुरू करते हैं दिन विशेष। आज राष्ट्रीय चाकू दिन है भाई। चाकू हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम जिसको यूज़ करते हैं कार्य में, तो ऐसा आज का विश्व राष्ट्रीय चाकू दिन है। तो आज के दिन की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आज का दिन आपको मंगलमय और शुभ रहे, यही शुभकामनाओं के साथ शुरू करते हैं आज के दिन विशेष जो हैं 24 अगस्त के। और 24 अगस्त के ये रहे सबसे कुछ पहले ऐतिहासिक घटनाएं। सन 1608 में ब्रिटिश इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला प्रतिनिधि सूरत में दाखिल हुआ। 1690 में कलकत्ता शहर की स्थापना हुई। 1875 में कैप्टन मैथ्यू ये इंग्लिश खाड़ी तैरकर पार करने वाले पहले व्यक्ति रहे। 1891 में थॉमस अल्वा एडिसन ने चलचित्र कैमरा का पैटर्न हासिल किया। 1950 में एडिथ सैम्पसन संयुक्त राष्ट्र में जाने वाले पहला कृष्णवर्णीय व्यक्ति रहा, प्रतिनिधि रहा। 1936 में ऑस्ट्रेलियन अंटार्कटिक प्रदेश तैयार किया गया। 1966 में रशिया का लूना 11 ये मानव रहित यान चंद्र मुहिम के लिए, चांद के मुहिम के लिए रवाना हुआ। 1966 में विक्रमवीर भारतीय जलतरण खिलाड़ी मिहिर सेन इन्होंने जिब्राल्टर की समुद्र धुनी तैर कर पार की। 1991 में यूक्रेन सोवियत यूनियन से आज़ाद हुआ। 1995 में माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज 95 ये संगणक प्रणाली प्रकाशित की। 1969 में वीवी गिरी भारत के चौथे राष्ट्रपति बने, तो 1974 में फखरुद्दीन अली अहमद भारत के पांचवें राष्ट्रपति बने। सन 1690 में जॉब चार्नॉक कलकत्ता में आकर बसे। 1814 में ब्रिटिश कर्मियों ने व्हाइट हाउस को आग के हवाले कर दिया, आग के। 1993 में पॉप स्टार माइकल जैक्सन के खिलाफ लॉस एंजलिस पुलिस ने यौन शोषण के आरोपों की जांच शुरू की। सन 2000 में बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद इरशाद को 5 वर्ष की सजा सुनाई गई। सन 2004 में फिलिस्तीनियों को अहिंसा पाठ पढ़ाने के लिए अरुण गांधी रामल्ला पहुंचे।
2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने प्लूटो यानी M इसका ग्रह का दर्जा समाप्त किया। 2008 में बीजिंग में 29वें ओलंपिक का समापन हुआ। 2009 में वेनेजुएला की स्टेफेनिया फर्नांडिस मिस यूनिवर्स बनी, मिस यूनिवर्स, जी हाँ। सन 1609 में गैलीलियो ने दुनिया के पहले दूरबीन का प्रात्यक्षिक दिखाया। 1919 में दुनिया की पहली प्रवासी विमान सेवा लंदन से पेरिस तक शुरू हुई। 1960 में इटली के रोम में 17वें ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई। 1980 में जिम्बाब्वे का संयुक्त राष्ट्र में प्रवेश। 1991 में एयरबस A320 इसने पहला उड़ान किया। 1997 में दक्षिण कन्नड़ा जिले का विभाजन हुआ और उड़पी नामक नए जिले का निर्माण हुआ। 2001 में सरोद वादक अमजद अली खान इनको मध्य प्रदेश का तानसेन पुरस्कार घोषित हुआ। भाई तो ये हुए आज के ऐतिहासिक घटनाएं। अब आज के जन्मदिन जो है 24 अगस्त के गुजराती लेखक समाज सुधारक नर्मदा शंकर दवे तथा नर्मद 1833-33 मराठी केसरी समाचार पत्र के संपादक नमची केलकर तथा एनसी केलकर तथा नरसिंह चिंतामन केलकर 1872 अशिक्षित लेकिन प्रतिभावान कवयित्री बहिनाबाई चौधरी 1880 स्वतंत्र भारत में मुंबई के पहले मुख्यमंत्री बाल गंगाधर खेर 1888 मार्टिन बेकर एरिक इस कंपनी के सह संस्थापक वैलेंटाइन बेकर 1888 क्रांतिकारक शिवराम हरि राजगुरु ये राजगुरु इनका जन्म 1908 में हुआ। किराना घराना गायक शास्त्रीय गायक कलाकार पंडित बसवराज राजगुरु 1917 केंद्रीय परराष्ट्र मंत्री सिकंदर बख्त 1918 नोबेल पारितोषिक विजेता अमरीकी अर्थशास्त्री हैरी मार्कोविज 1927 अभिनेत्री निर्माता अंजलि देवी 1927 नोबेल पारितोषिक विजेता पैलेस्टाइन के नेता यासर अराफात 1929 ओडिसी नर्तिका संयुक्ता पाणिग्रही 1944 WWE के सह संस्थापक विंस मैकमेहन 1965 ब्राजीलियन लेखक पाउलो कोयलो 1947 पॉलिटिशियन रामनिवास मिर्धा 1924 अभिनेत्री आदिति शर्मा 1984 सिंगर गीत माधुरी 1989 महिला क्रिकेट खिलाड़ी पूनम यादव 1991 और एक महिला क्रिकेट खिलाड़ी दीप्ति शर्मा 1997 सिंगर हिमानी कपूर 1988 उर्दू शायर नसीम अमरोही 1908 संगीतकार गायक अभिनेता कृष्णचंद डे तथा केसी डे 1893 और कुछ जन्मदिन है। केरल के राष्ट्रवादी नेता स्वतंत्रता सेनानी समाज सुधारक के केलप्पन 1889 महिला क्रांतिकारी वीना दास 1911 राजस्थान के प्राकृतिक प्रेमी कवि चंद्र सिंह बेरकाली 1912 साहित्य समीक्षक राव साहेब जाधव 1932 अभिनेता शंतनु भाग्यराज 1985 अभिनेता और महाभारत में संजय की भूमिका करने वाले अजय मिश्रा 1986 और अभिनेता गायक गुरु शब्द 1989। तो ये हुए भाई आज के जन्मदिन। अब आज के स्मृति दिन जो है
24 अगस्त की। संस्कृत पंडित, भाषा शास्त्री, इतिहास संशोधक सर रामकृष्ण गोपाल भांडारकर 1925, कैसर शिपयार्ड और कैसर एल्यूमिनियम के संस्थापक हेनरी जे कैसर 1967, डी बी देवधर, प्रोफेसर डी बी देवधर जो क्रिकेट खिलाड़ी थे और क्रिकेट महर्षि, 1993 में इनकी मृत्यु हुई। संगीतकार कल्याण जी आनंद जी जोड़ी के कल्याण जी वीरजी शाह 2000, चीनी कवि और लेखक वई वई 2008, केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली 2019, लखनऊ विद्यापीठ के कुलगुरु राधा कमल मुखर्जी 1978, हॉलीवुड के अभिनेता सर रिचर्ड एडनबरा 2014, अमरीकी फुटबॉल खिलाड़ी चार्ली कॉफी 2015। तो ये हुए भाई आज के दिन विशेष जो रहे 24 अगस्त के। अब आज का सवाल जिसका जवाब बाकी है, तो सवाल है विश्व में कौन से पक्षी की सबसे बड़ी मूर्ति है। तो ये पक्षी है जटायु। जी हाँ बहन भाइयों, जटायु एक ऐसा पक्षी है जिसकी सबसे बड़ी मूर्ति है। जटायु अर्थ सेंटर ये दुनिया की सबसे बड़ी पक्षी मूर्ति का मूर्ति होने का गौरव इस मूर्ति को प्राप्त हुआ है। 65 एकड़ में फैला हुआ ये परिसर है और चार पहाड़ियों में जटायु की मूर्ति बनी हुई है। ये जगह है समुद्र तल से 350 मीटर की ऊंचाई पर है और ये मूर्ति हमारे भारत के केरल में कोल्लम में है। कोल्लम नामक एक जगह है, वहाँ पर है ये। 200 फीट लंबी, 150 फीट चौड़ाई और 70 फीट ऊंची इसका आकार है और इसे जटायु रॉक या तो जटायु नेचर पार्क ऐसा भी कहा जाता है। रामायण के जटायु से ही इसका संबंध है। तो अधिक जानकारी के लिए भाई गूगल सर्च कीजिएगा और अधिक जानकारी प्राप्त कीजिएगा। तो चलिए मैंने भाई आज की ये वीडियो, आज का दिन विशेष और आज की जानकारी कैसे लगी ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा भाई बहनों भाइयों, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर चैनल पर नए हो तो। तो चलिए अब आज का ये कारोबार यहीं पर ख़त्म करते हैं, दिन विशेष आज का ख़त्म करते हैं और अब लेता हूँ विदा। कल मिलने का करता हूँ वादा फिर एक बार एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए सी नारायण को दीजिएगा आज्ञा, नमस्कार।